मैं आरके सिंह एसएम पब्लिक स्कूल उत्तरीपुर शंभुगंज जौनपुर में आप समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं का दूसरा भाग हम जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो पहले भी बताए कि ये भी जो है एक नंबर का आता है, एक एक नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक एक बूंद से पूरा घड़ा भर जाता है, उसी तरह से एक एक नंबर जो है प्राप्त करने से मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। तो प्रश्न का अगला भाग बताया है किस विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है। आलोक पर्व किस विधा की रचना है, आलोक पर्व किस विधा की रचना है, आलोक पर्व निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहा कि आलोक पर्व निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है, अषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है, यह जो है अषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न आस्था के चरण किस विधा की रचना है, आस्था के चरण किस विधा की रचना है, आस्था के चरण निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक हैं डॉक्टर नगीन। आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है, आचरण की सभ्यता निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक जो है सरदार पूर्ण सिंह है। आर्यों का आदि देश किस विधा की रचना है, आर्यों का आदि देश इतिहास विधा की रचना है, इसके लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम, तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है, एक बूंद सहसा उछली यह यात्रा वृत्त की विधा की रचना है, इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अग्गे। और अंत में प्रश्न है, और अंत में एक किस विधा की रचना है, और अंत में निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कबीर आलोचना विधा की रचना है और इसके जो है लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कदम की फूली डाल किस विधा की रचना है, कदम की फूली डाल निबंध विधा की रचना है और इसको जो है
डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है। इसके लेखक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। कर्पूर मंजरी, प्रश्न है कर्पूर मंजरी किस विधा की रचना है। कर्पूर मंजरी नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक जो है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। कर्पूर मंजरी कर्पूर मंजरी जो है वह नाटक विधा की रचना है। कर्पूर मंजरी किस विधा की रचना है? कर्पूर मंजरी नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही जो है वह जीवनी विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है और इसके जो है लेखक अमृत राय हैं। कल्पवृक्ष किस विधा की रचना है? कल्पवृक्ष निबंध विधा की रचना है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। कल्याणी किस विधा की रचना है? कल्याणी उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक जो है जैनेन्द्र कुमार। और अगला प्रश्न आता है कर्मभूमि किस विधा की रचना है? कर्मभूमि किस विधा की रचना है? कर्मभूमि उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक जो है प्रेमचंद हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा विधा की रचना है और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। कायाकल्प ये किस विधा की रचना है? कायाकल्प जो है वह किस विधा की रचना है? कायाकल्प जो है वह उपन्यास विधा की रचना है। कायाकल्प उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक जो है प्रेमचंद है। काम प्रेम और परिवार ये किस विधा की रचना है? काम प्रेम और परिवार निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक जो है जैनेन्द्र कुमार हैं। कश्मीर कुसुम यह किस विधा की रचना है? कश्मीर कुसुम इतिहास विधा की रचना है, इसके लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद हैं। कल्पलता प्रश्न है कल्पलता किस विधा की रचना है? कल्पलता निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कलिकौतुक किस विधा की रचना है? कलिकौतुक नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक जो है प्रताप नारायण मिश्र हैं। कालिदास और उनकी कविता ये आलोचना विधा किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की रचना है, इसको जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। कालिदास की निरंकुशता ये किस विधा की रचना है? यह आलोचना विधा की रचना है। कालिदास की निरंकुशता ये आलोचना विधा की रचना है, इसको जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। कालिदास की लालित्य योजना जो है वह आलोचना विधा की रचना है, इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है लिखा है।
इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अब अगला प्रश्न है कुटज। कुटज किस विधा की रचना है? कुटज जो है निबंध विधा की रचना है, इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। क्वार्टर, क्वार्टर क्वार्टर माने होता है कमरा। क्वार्टर किस विधा की रचना है? क्वार्टर कहानी विधा की रचना है, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। कामायनी, कामायनी किस विधा की रचना है? कामायनी काव्य विधा की रचना है, इसको जो है इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद हैं। कन्यादान, कन्यादान किस विधा की रचना है? कन्यादान निबंध विधा की रचना है, इसको जो है सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है। कामना, कामना जो है किस विधा की रचना है? कामना नाटक विधा की रचना है, इसको जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। क्षणदा, क्षणदा किस विधा की रचना है? क्षणदा जो है वह निबंध विधा की रचना है, इसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। इसके लेखक जो है लेखिका जो है महादेवी वर्मा है। क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, यह किस विधा की रचना है? क्षण बोले कण मुस्काए निबंध विधा की रचना है, इसको कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। गबन, गबन जो है वह किस विधा की रचना है? गबन जो है उपन्यास विधा की रचना है, इसको जो है प्रेमचंद ने लिखा है। गद्य कुसुमावली, गद्य कुसुमावली यह किस विधा की रचना है? गद्य कुसुमावली निबंध विधा की रचना है, इसको डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है। गणेश किस विधा की रचना है? गणेश किस विधा की रचना है? गणेश जो है निबंध विधा की रचना है, इसको डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? गेहूं और गुलाब ये जो है निबंध विधा की रचना है, इसको राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। गोस्वामी तुलसीदास किस विधा की रचना है? गोस्वामी तुलसीदास आलोचना विधा की रचना है, इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। गोरा बादल की कथा एक किस विधा की रचना है? गोरा बादल की कथा आख्यायिका विधा की रचना है, और इसके लेखक जो है जटमल हैं। गोदान, गोदान किस विधा की रचना है? प्रश्न आता है कि गोदान किस विधा की रचना है? गोदान जो है वह उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक जो है प्रेमचंद हैं। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय ये जो है कहाँ किस विधा की रचना है? 11 वर्ष का समय कहानी विधा की रचना है, और इसको जो है कौन लिखा है? आचार्य रामचंद्र सुकुल ने लिखा है। गुंडा, वाह वाह क्या बात है, नाम सुनने से ही जो है लोग कांपने लगते हैं। गुंडा जो है वह किस विधा की रचना है? गुंडा जो है वह कहानी विधा की रचना है, इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। गुनाहों के देवता, गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है? गुनाहों के देवता उपन्यास विधा की रचना है, इसको धर्मवीर भारती ने लिखा है। घुमक्कड़ शास्त्र यह किस विधा की रचना है? घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त विधा की रचना है, इसके लेखक जो है राहुल सांस्कृत्यायन है। अगला है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? चंद्रगुप्त
नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी है। चंद्रावली, चंद्रावली किस विधा की रचना है? चंद्रावली नाटक विधा की रचना है, इसको इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चारुचंद्र लेख यह किस विधा की रचना है? चारुचंद्र लेख उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चिता के फूल किस विधा की रचना है? चिता के फूल जो है वह किस विधा की रचना है? चिता के फूल यह जो है चिता के फूल कहानी विधा की रचना है, इसके लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। चित्रलेखा किस विधा की रचना है? चित्रलेखा उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। चिद्विलास ये किस विधा की रचना है? चिद्विलास निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। चितवन की छां ये किस विधा की रचना है? चितवन की छां निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक मोहन राकेश हैं। चीन की राजक्रांति किस विधा की रचना है? यह जो है चीन की राजक्रांति इतिहास विधा की रचना है, इसके लेखक जो है डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। 84 वैष्णवन की यात्रा ये किस विधा की रचना है? ब्रजभाषा गद्य की रचना है, इसके लेखक जो है गोकुलनाथ हैं। छंदमयी ये किस विधा की रचना है? प्रश्न है छंदमयी किस विधा की रचना है? छंदमयी काव्य विधा की रचना है, इसके लेखक हैं डॉक्टर नागेन। छायापथ एक किस विधा की रचना है? छायापथ गद्य काव्य विधा की रचना है, इसके लेखक हैं राय कृष्ण दास। जंजीरें और दीवारें ये किस विधा की रचना है? जंजीरें और दीवारें संस्मरण विधा की रचना है, इसके लेखक जो है राम वृक्ष बेनी पूरी हैं। जड़ की बात जो है वह किस विधा की रचना है? जड़ की बात किस विधा की रचना है? जड़ की बात निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक जो है जैनेन्द्र कुमार हैं। जय अवधे ये किस विधा की रचना है? जय अवधे ये उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक जो है राहुल सांस्कृत्यायन हैं। जयवर्धन किस विधा की रचना है? जयवर्धन उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक जो है जैनेन्द्र कुमार हैं। जय संधि किस विधा की रचना है? जय संधि कहानी विधा की रचना है, इसको जो है जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। जापान किस विधा की रचना है? जापान यात्रा वृत्त विधा की रचना है, इसके लेखक राहुल सांस्कृत्यायन हैं। जिंदगी मुस्कराई ये किस विधा की रचना है? जिंदगी मुस्कराई ये रेखा चित्र विधा की रचना है, इसको लिखा है या इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जीवन और दर्शन प्रश्न है जीवन और दर्शन किस विधा की रचना है? जीवन और दर्शन विधा की रचना है, इसको डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है। जीवन कण प्रश्न है जीवन कण किस विधा की रचना है? जीवन कण निबंध विधा की रचना है, इसको रघुवीर सिंह ने लिखा है। इस तरह से ये जो है यहीं पर रुकते हैं। अब कल फिर आपसे जो है
फिर जो है मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। Thank you.